मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि अवैध हथियार तस्कर हथियार बेचने के लिए ग्राम पलासी पर खड़ा था, तभी मुखबिर की सूचना पर तस्कर सुरजीत सिंह पिता नानू सिंह सिकलीगर निवासी लालबाग थाना धामनोद हाल मुकाम सिंघाना को पुलिस ने पकड़कर उसके पास से 19 देशी 12 बोर के कट्टे, 2 देशी पिस्टल, 1 देशी रिवॉल्वर, 3 12 बोर के जिंदा कारतूस, 3 पिस्टल के जिंदा कारतूस जिसकी कीमत 1,80,000 रुपये बताई जा रही है उन्हें जब्त किया। सुरजीत सिंह के विरुद्ध धारा 25 और 27 आर्म्स के एक्ट तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उससे पूछताछ की जा रही है। मनावर ब्रजेश मालवीय और सिंघाना की टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक यादव, सभी लोगों ने इस पे वर्क किया था, काफ़ी समय से इस व्यक्ति के पीछे लगे थे और इसको बड़वानी रोड से ग्राम पलासी के पास से तस्कर जिसका नाम सुरजीत सिंह पिता नाम वाला लालबाग का है, जो लालबाग पहले से इस तरह के कामों के लिए कुख्यात है लेकिन अभी ये ग्राम सिंघाना में रहता है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने पर इससे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिले हैं जिसमें 19 देसी बोर के कट्टे, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी रिवॉल्वर, 3 12 बोर के जिंदा कारतूस, पूरे मशरूके की कीमत करीब 1,80,000 रुपये है, इसे रिकवर किया गया है और इससे पूछताछ चल रही है और संभावना है कि और भी खुलासे हो सकते हैं। और ये पहले भी इस पर इंदौर में एक मुकदमा कायम है और अन्य स्टेट्स में भी जो है इसका मूवमेंट है। कीमत कम बताइए सर, पुलिस ने इस बार 1,80,000 बताओ कितना बता दें। तो 5 लाख के करीब का माल है, फैक्ट्री की कीमत है ना, चलो आज धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो थाना मनावर और उनकी टीम की सफलता है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी और टीआई मनावर ब्रजेश, चौकी प्रभारी सिंघाना अभिषेक, उनकी टीम को लगातार खबर मिल रही थी जिसमें कि एक जो अवैध हथियार का तस्कर है उसका मूवमेंट था। आज उसे गिरफ्तार किया गया जिसका नाम सुरजीत पिता नानू सिंह सिकलीकर है, ये 25 वर्ष का है, रहने वाला ओरिजिनली लाल बाग का है धामनो थाने में, परंतु अभी सिंघाना में रहता है। इसको पकड़ा गया, इसके पास से 19 देसी बोर के कट्टे, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी रिवॉल्वर, 3 12 बोर के जिंदा कारतूस, 3 पिस्टल के जिंदा कारतूस, मशरूका करीबन 1,80,000 रुपये का जो है जब्त किया गया है। इसका पूर्व में भी इंदौर में एक अपराध है और ये इंटरस्टेट लेवल पे भी हथियार सप्लाई करता है और इससे भी पूछताछ की जा रही है, संभावना है और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। धार जिले से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।